लकी पत्नी हो आप भाभी, जो शादी होते ही पति का सम्मान समारोह देखने का मौका मिला। सुमित भाई ने बड़ा दिल रखा और मदन भाई को चाय बनाने का जादू सिखाया, चाय की दुकान दिलाई और अपने लेवल का A1 चाय वाला बनाया। सुमित भाई, आपकी आज की पहली चाय पर पहला अधिकार आपकी पत्नी का है। सुमित भाई, अपने हाथों से पिलाओ ना। पिलाओ पिलाओ। केवी लागी सुमित भाई के हाथों की चाय? सुमित मामा के हाथों की चाय किसको पसंद नहीं आएगी? द्वारिका की सबसे बेस्ट बेस्ट चाय बनाते हैं। अरे, हमारे घर के बाहर इतनी बड़ी चाय की दुकान देख ली इसकी बुआ ने, तभी तो 7 दिन में फटाफट इसकी शादी करवा दी सुमित भाई से। और क्या क्या बोला था बुआ ने मेरे बारे में? यही कि आप रसोड़े और घर की चैंपियन हो। वो सारे घरेलू गुण हैं जो बा को अपनी बहू में चाहिए थे। आपको पता है, बा ने इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया था क्योंकि उन सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करना था। सबके बड़े बड़े सपने थे, किसी को ऑफिसर बनना था, किसी को जॉब करनी थी, किसी को वकील बनना था। पर जब आपकी बुआ ने बताया कि आपके घर और परिवार को खुश रखने के अलावा आपके और कोई सपने नहीं है, तो बा तो एकदम से ही खुश होंगे। और आपको पता है आपने बाजी कहाँ मार ली? रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पल से ये छाप साक्षी रहेगी कि तुम दोनों के भाग्य एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे भाग्य कभी नहीं मिल सकते। कई शरम आवे छे ऐसे संबंध की अपने पति परमेश्वर को। तू सम्मान किसी दिखावे का मोहताज नहीं है, और पति परमेश्वर मानने के लिए एक शादी के रिश्ते को स्वीकार करना भी जरूरी होता है। जब मैं शादी को ही नहीं मानती, तो मैं सुमेध जी को अपना पति परमेश्वर कैसे मानूं? आपके लिए भले गमछा पहनना शान होगा, लेकिन मेरे लिए देश की सेवा करना। तो क्यों किया आपने ये शादी? क्यों मना नहीं किया? हाँ बताइए। क्योंकि तब मैं सच नहीं जानती थी। कौन सा सच? ये कि आप एक चाय वाले। रुक्मिणी बहू, अरे हाथ की छाप देने बोला है। सुंदरता नहीं मांग ली तेरी तुझसे कि इतना सोच में पड़ गई दूं कि नहीं? चल जल्दी कर। लो सुमित भाई, आप हुआ ही बहुत जाए छोकरी। लो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।